झारखंड और देश विदेश के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। यह खबर है गोड्डा जिला से। मेडिकल छात्रा के कातिलों तक पहुंचने के लिए एसआईटी के सूत्रों की तलाश, माँ ने बताई कॉल की बात। मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने शुक्रवार को विशेष जाँच दल में शामिल अधिकारियों की टीम लोहिया नगर गोड्डा पहुँची। यहाँ मृत छात्रा के माता पिता रहते हैं। पूजा की मां अर्चना देवी ने इस दौरान अधिकारियों को बताया कि पूजा रोजाना सुबह दोपहर और रात में वीडियो कॉल करती थी। घटना के दिन भी उसने सुबह 8:30 बजे वीडियो कॉल किया था। उसने कहा था कि 3 बजे तक परीक्षा चलेगी, इसके बाद फिर कॉल करेगी। जब 3 बजे पूजा का फोन नहीं आया तो उन्होंने खुद कॉल किया, परंतु मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इसके बाद उन्होंने पूजा की दोस्त ज्योति वर्मा से संपर्क किया, जिसमें बताया कि पूजा का कमरा बंद है। जब वार्डन ने दरवाजा खोलाया तो पूजा कमरे में नहीं दिखी। इसके बाद अगले दिन उसका शव बरामद हुआ। यह खबर है रांची से। गढ़वा में अपराध की योजना बनाते 2 युवक धराए, 2 देसी कट्टा भी बरामद हुआ। गढ़वा थाना पुलिस ने वारीडीहा थाना पुलिस के सहयोग से गुप्त सूचना के आलोक में शुक्रवार की देर शाम 2 देसी कट्टा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में वारीडा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी नजाम अंसारी का पुत्र नौसाद अंसारी एवं विशनपुरा थाना क्षेत्र के फतिहारी गांव निवासी सफुद्दीन अंसारी का पुत्र एजाज अंसारी शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस निरीक्षक सदर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि सूचना मिली थी कि उन दोनों की सी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। यह खबर है रांची से। कुख्यात TSPC उग्रवादी गणेश गंजू सहयोगी के साथ धराया, लोडेड रिवॉल्वर व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस ने कल TSPC के 2 उग्रवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार उग्रवादियों में एक का नाम गणेश गंजू और दूसरे का नाम नरेश गंजू है। दोनों के पास से 1 लोडेड रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताया गया है कि चतरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि TSPC उग्रवादियों को दस्ता क्षेत्र में भ्रमशील है। इसके बाद टंडवा DSP के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान दोनों उग्रवादी धराए। गणेश गंजू एक कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ कई थाने में मामला दर्ज है। चौपारण में पोल्ट्री फार्म से 82 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद, उत्पाद विभाग व पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी। प्रखंड के ग्राम महुदीबारा में पोल्ट्री फार्म में शुक्रवार को उत्पाद विभाग एवं पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी दल ने पोल्ट्री फार्म से जमीन के अंदर छुपाकर तस्करी के लिए रखा 82 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। बरामद शराब का मूल्य करीब 3 लाख बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का झारखंड में भी पड़ेगा असर, तो आइए जानते हैं क्या रहेगा मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर सहित उत्तर पश्चिम इलाके में भारी बर्फबारी होने तथा हवा का रुख दक्षिण पूर्व की तरफ रहने के कारण झारखंड के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। राजधानी और आसपास के इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। खबर है रेलवे सुरक्षा बल की कार्रवाई को लेकर। झारखंड में 86,40,000 रुपए की ज्वेलरी समेत 2 गिरफ्तार, दिल्ली से चोरी के बाद कालका मेल से जा रहे थे हावड़ा। झारखंड के गिरिडीह जिले में रेलवे सुरक्षा बल ने 86,40,000 रुपए की ज्वेलरी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी। इसके बाद अपने हिस्से की ज्वेलरी लेकर कालका मेल में झारखंड के रास्ते पश्चिम बंगाल के हावड़े स्थित अपने घर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने शुक्रवार रात को हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर ये कार्रवाई की। यह खबर है जमशेदपुर से। सरायकेला के सदर अस्पताल में सफाई कर्मचारी चंदन को कोरोना का लगा पहला टीका। कुल्हान प्रमंडल के सरायकेला खरसावां जिले में 2 जगहों पर कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। सरायकेला सदर अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में सफाई कर्मचारी चंदन करुआ को कोरोना का पहला टीका दिया गया। इस तरह ऊंचाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए केंद्र में MOIC को टीका देकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। झारखंड में कोरोना टीकाकरण का अभियान, वैक्सीन को सीएम हेमंत सोरेन ने बताया वरदान। झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची सदर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया।
उन्होंने वैक्सीन को वरदान बताया है। रांची सदर अस्पताल की सफाई कर्मचारी मुरियन गुड़िया को पहली कोरोना वैक्सीन लगाई गई, जिससे 24 जिलों में कोरोना टीकाकरण के लिए दो दो सेंटर बनाए गए हैं। सभी 48 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कल पहले दिन 4800 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। धनबाद में कोरोना की पहली वैक्सीन नहीं लेने पर सफाई कर्मी ने मना किया, अधिकारियों के मनाने पर वह टीका लिया। अब खबर जाने देश विदेश से। किसान आंदोलन पर देशद्रोह का रंग चढ़ाकर राजनीति करना चाहती है सरकार, शिवसेना बोले। नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, आंदोलनकारियों को खालिस्तान समर्थक बताकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। शिवसेना ने आगे कहा, सरकार आंदोलन खत्म नहीं करवाना चाहती बल्कि देशद्रोह का रंग चढ़ाकर राजनीति करना चाहती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कृषि कानून पर रोक लगा दी है। विजय वर्गीय का कहना है, 41 विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं, शामिल कर लूं तो ममता सरकार गिर जाएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, मेरे पास उन 41 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उन्हें बीजेपी में शामिल करूंगा तो बंगाल में ममता बनर्जी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा, हम देख रहे हैं किसे लेना है और किसे नहीं, अगर किसी की छवि खराब है तो हम नहीं लेंगे। दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीकाकरण देने का रहेगा लक्ष्य, पीएम मोदी बोले। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा, भारत में पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो रहा है, दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। उन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें दूसरे चरण में टीका लगेगा। पीएम मोदी बोले, भारतीय कोविड-19 टीके विदेशी टीकों से बहुत सस्ते हैं, उपयोग भी उतना ही आसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करते ही कहा है, भारतीय टीके विदेशी टीकों की तुलना में बहुत सस्ते हैं, उपयोग भी उतना ही आसान है। उन्होंने कहा, कुछ विदेशी वैक्सीन ऐसे हैं जिसकी एक डोज की कीमत 5000 तक है, जिसे -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना होता है, जबकि भारतीय टीके देश में रखी हुई तकनीकी पर बने हैं। वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, कम समय में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है, पीएम मोदी का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करते हुए कहा, आज वो वैज्ञानिक समेत अनेकों लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते कई महीनों से वैक्सीन बनाने में जुटे थे। उन्होंने कहा, आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में 1 नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। किसान नेता बोले, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो 26 नवंबर को नहीं निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो किसान गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित रैली नहीं निकालेंगे। उन्होंने कहा, हम किसी दूसरे दिन रैली कर लेंगे। इससे पहले बेक्यू ने कहा था कि किसान गणतंत्र दिवस पर लाल किले से इंडिया गेट तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जब करनी है मनमानी तो क्यों बुलाते हो बेमानी, किसानों से नवे दौर पर बातचीत पर अखिलेश यादव बोले। प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच नवे दौर की बातचीत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव ने कहा, जब करनी है मनमानी तो क्यों बुलाते हैं बेमानी। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार जब तक कॉरपोरेट के लिए कारपेट बिछाती रहेगी तब तक सड़क पर बैठे किसानों के हित में फैसला नहीं आने वाला है, ये वार्ता है या बीजेपी का नया जुमला। अफवाह पर ध्यान न दे, विशेषज्ञों ने कोविड-19 टीकों को सुरक्षित बताया है, केजरीवाल का कहना है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोविड-19 टीका को लेकर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। LNJP अस्पताल में टीकाकरण का मुआयना करने पहुंचे केजरीवाल ने कहा, विशेषज्ञों ने कहा है कि टीके सुरक्षित हैं। दिल्ली में 81 टीकाकरण केंद्रों पर पहले दिन 8100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। महामारी के दौरान जान गंवाने वाले स्वास्थ्य व फ्रंटलाइन कर्मियों की बात कर भावुक हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते समय महामारी के दौरान जान गंवाने वाले स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कर्मचारियों की बात कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो
कभी घर वापस लौटे ही नहीं पाए। इसलिए आज कोविड-19 का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर समाज अपना ऋण चुका रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में 20 जनवरी से 27 दिनों के लिए बैन हुई UAV। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 20 जनवरी से मानव रहित हवाई वाहन, पैराग्लाइडिंग और गर्म हवा के गुब्बारों समेत अन्य सब कन्वेक्शनल एरियल और प्लेटफॉर्म के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश 15 जनवरी तक 27 दिनों के अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। उल्लंघन और करने वाले पर IPC के धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। भारत में कोविड-19 टीकाकरण शुरू होने पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते सेरेंगी ने दी बधाई। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत होने पर भूटान के प्रधानमंत्री लोते सेरेंगी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को देशव्यापी टीकाकरण अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। हम आशा करते हैं कि यह वैक्सीन इस महामारी के चलते हुई पीड़ा को खत्म करने में प्रभावी साबित होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।